कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए मथुरा के छाता तहसील सभागार में छोटे छोटे बच्चों के लिए निगरानी समिति के सदस्यों और नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को कोरोना किट का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने संबोधन में इस वैश्विक महामारी की गंभीरता को बताते हुए देशवासियों को मजबूत इच्छा शक्ति के आगे उससे लड़ने और उसे हराने के लिए जागरूक किया। जिस तरह से प्रथम और द्वितीय लहर का मुकाबला आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे कोरोना वॉरियर्स समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने, सामाजिक संगठनों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, तीसरी लहर का उसी तरह से पहले से मुकाबला करने के लिए जैसा अनुमान हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक लगा रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, इसके लिए तीन प्रकार की किट बनाई गई है, जो जीरो से लेकर एक साल तक का बच्चा, एक साल से लेकर पाँच साल तक का और पाँच साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा। ये तीन घर घर में हमारी आंगनबाड़ी बहनें, घर घर में हमारे प्रधानगण, जो हमारी निगरानी समिति है, उन समस्त निगरानी समिति के सदस्य घर घर में जाके सभी को समझाएंगे और ये किट उनको उपलब्ध कराएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ये कोरोना किट घर घर तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत के निगरानी समिति के सदस्य और नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से उन्होंने अपील की है।